आपको क्या लगता है कि आप ये चालाकियां और मक्कारियां करके, ये स्मार्ट प्ले करके आप एक सुकून वाली जिंदगी गुजार लेंगे? याद रखें कि अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियां मत समझें, क्योंकि जिस दिन उसने ये रस्सी जरा सी खींची ना, जिस दिन उसने आपको आपके अमल का 1% भी मुंह दिखाया, तो आप मुंह के बल गिरेंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि आप उस चीज से लड़ नहीं सकते, आप सामना नहीं कर सकते उससे। जितने मुनाफिक लोग होते हैं ना, इनके साथ यही प्रॉब्लम होता है कि इनको ये लग रहा होता है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा चालाक, दुनिया के सबसे ज़्यादा मक्कार और दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं। ना किसी को इनकी असलियत का पता चलता है, ना कोई इनके राज जानता है, ना कोई इनके जो सच है वो जानता है। सबको सब पता होता है, सिर्फ अल्लाह की दी हुई ढील होती है, और वो जब ये खींचता है तो ये फिर मुंह के बल गिरते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों में आप कभी शुमार मत होइएगा, और ऐसे लोगों से कभी ज़िंदगी में इंस्पायर मत होइएगा। और अगर कोई रिश्ते में भी ऐसा कोई है ना आपके साथ, तो छोड़ दें आप उसको। मुनाफिक से रिश्ता नहीं निभाया जा सकता, आप नहीं निभा सकते, क्योंकि ये लोग इबादत भी कर रहे होंगे और ये करते हैं इबादत, लेकिन आपको इनकी इबादतों का भी पता होता है। वो जैसे एक बात आपने भी पढ़ी होगी ना, कि काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर जो हैं वो माफ़ नहीं हो जाते, वो फिर भी आपको उनका हिसाब देना पड़ता है। तो ये इबादतें भी कर रहे होंगे, लेकिन ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मामलात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, और मामलात भी वो जो इंसानों के हों, वो इंसान माफ़ करेगा तो मामला आगे चलेगा, वरना नहीं होगा।